हेलो एवरीबॉडी, पिछले क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 14 पॉइंट तक हुआ था, ठीक है। आज हम लोग 14 पॉइंट से आगे 13 पॉइंट बल्कि हुआ था 13 पॉइंट से आगे आज हम लोग पढ़ेंगे 14वां पॉइंट से। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सभी लोग अपने अपने पेन और कॉपी निकाल करके रेडी हो जाइए। देखिए 14वां पॉइंट है, इसको लिखिए पहले। यदि डिफरेंट नंबर्स एंड पर्सन के सब्जेक्ट, यदि डिफरेंट नंबर्स एंड पर्सन्स के सब्जेक्ट बट और नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो से जुड़े हो तो नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो से जुड़े हो तो वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होता है। तो वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होता है, जैसे पहला पॉइंट देखिए, नॉट ओनली रवि बट ऑल्सो Each friends not only Ravi but also his friends dash invited to dinner। इसका मतलब इसमें ऑप्शन है हैव और हैज। न केवल रवि बल्कि उसके दोस्त लोग भी डिनर के लिए आमंत्रित किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंट नंबर और पर्सन के हैं। देखिए रवि यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और हिज फ्रेंड्स ये क्या है, हिज फ्रेंड्स क्या है, थर्ड पर्सन का प्लुरल हो गया। तो डिफरेंट नंबर का हो गया ना, डिफरेंट पर्सन का हो गया। तो क्या करना है, वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होगा। तो पहला सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट फर्स्ट रवि हो गया, ठीक, और सब्जेक्ट सेकंड हिज फ्रेंड्स, सब्जेक्ट सेकंड हो गया हिज फ्रेंड्स। तो वर्ब किसके अनुसार होगा, फ्रेंड हिज फ्रेंड्स के अनुसार। तो फ्रेंड्स चूंकि क्या है, प्लुरल है, तो वर्ब क्या होगा, प्लुरल होगा यानी हैव होगा, ठीक। दूसरा देखिए, नॉट राम बट हिज ब्रदर्स डैश गिल्टी। ऑप्शन है इज और आर। ना कि राम बल्कि उसके दोस्त लोग भी क्या है, दोषी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट ओनली राम बट हिज ब्रदर्स, ना कि राम बल्कि उनके भाई लोग भी दोषी हैं। तो हिज ब्रदर्स क्या है, दूसरा सब्जेक्ट है ना, और क्या है, किस नंबर में, प्लुरल नंबर में है, ब्रदर्स है, ठीक है, इसलिए प्लुरल है। जब प्लुरल है तो वर्ब क्या होगा, प्लुरल हो जाएगा, ठीक। एक और पॉइंट लिख लीजिए, नॉट ओनली टीचर बट ऑल्सो स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट
yesterday. Was और where जुड़ना है, ठीक ऑप्शन है. Long.